वेल हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। 28 लाख दियों से जगमग होगा अयोध्या। 12 गांव में तैयार हो रहे हैं 12 लाख दिए। 10 जिलों में कुम्हारों को 35 लाख का ऑर्डर दिया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां दोस्तों शुरू हो चुकी है। 28 लाख दीपक जलाने की तेजी से काम चल रहे हैं। सरयू के घाटों पर दीप कहां जलेंगे, लाइटिंग कैसे भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। अयोध्या गोंडा अम्बेडकर नगर के 10 से 12 गाँवों में कुम्हार करीब 12 लाख दिए तैयार कर रहे हैं। वही काशी में पीएम की जनसभा में 5 लेयर सिक्योरिटी दिखी। एसपीजी, एटीएस और सीआरपीएफ समेत 5 एजेंसियां ड्यूटी पर तैनात रही। रूफ टॉप से ग्राउंड तक 5000 जवान अलर्ट है। वाराणसी में तीसरी बार सांसद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। अवैध सुरक्षा घेरे में थे, एयरपोर्ट से लेकर उनके हर कार्यक्रम को 5 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया। वहीं पर आपको बताते चले कि 5000 सुरक्षा जवान पीएम के सिक्योरिटी में थे। 3 एडीजी, 22 आईपीएस संभाले हैं उनका सुरक्षा का जिम्मा और एसपीजी के अलावा 5000 जवान भी दिखे। जी हां, कई लाख करोड़ की सौगात बनारस को दिए हैं। वही बहराइच हिंसा, खुद अपना घर तोड़ रहे लोग ताकि ईंट सरिया मलबे में बर्बाद न हो। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि बुलडोजर से डरा रही है सरकार। बहराइच हिंसा का रविवार को 8वां दिन था। महराजगंज में लोगों को खुद अपने घरों को तोड़ना शुरू किया। लोगों को डर है कि कहीं अगर बुलडोजर चला तो मकान में लगा ईंट सरिया भी मलबे में चला जाएगा। 18 अक्टूबर की रात को पीडब्ल्यूडी ने 23 घरों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया था। अब जिन घरों में नोटिस चस्पा किया है उसमें 20 मुस्लिम और 3 हिंदुओं के घर हैं। एक घर अब्दुल हमीद का है जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या में आरोपी है। बाकी 22 घरों के लोगों को अब तक हिंसा से कनेक्शन सामने नहीं आए। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ है। दीवार, कार और दुकानों को नुकसान पहुंचा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोले क्रूड बम जैसा मटेरियल होगा। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकान और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के बाद एक वीडियो भी सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसमें घना धुआं दिखाई दे रहा है, जो आप भी देख सकते हैं। जांच के बाद बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी बोली भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही। बीजेपी ने कहा 1000 करोड़ प्रदूषण टैक्स कलेक्ट किया था, उसका क्या हुआ। जी लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी वॉर लेवर पर प्रदूषण से निपटने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदा राजनीति कर रही है, ऐसा बयान दिया है। वही दोस्तों, सिक्किम की महिला के शरीर में 12 साल से कैंची थी। पति बोला डॉक्टरों ने 2012 में ऑपरेशन किया था, इस दौरान छोड़ दी, तब से पत्नी दर्द में रही है। सिक्किम की एक 45 साल की महिला के एब्डोमेन से 12 साल पहले छोड़ी गई कैंची को निकाला गया है। उसके पति ने बताया कि महिला ने 2012 में सिक्किम की राजधानी गंगटोक में सर थुटो नामग्याल मेमोरियल अस्पताल से अपेंडिक्स की एक सर्जरी कराई थी। इसके बाद महिला के अपेंडिक्स का दर्द खत्म हो गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से पेट में दर्द होने लगा। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी दर्द नहीं कम हुआ और 12 साल तक इस परेशानी से जूझती रही है। वही प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्रवाई हुई है। अल्ट बालाजी के वेब सीरीज को लेकर केस दर्ज हुआ है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है। अल्ट बालाजी पर अश्लीलता फैलाने के पहले भी आरोप लग चुके हैं। फिलहाल मामले को लेकर अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई। खराब फसल को ट्रैक करेगा रोबोट, रोबोट डॉग रॉकी आग लगने पर अलर्ट मैसेज भेजेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के टॉप 10 इनोवेशन में शामिल हुआ है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन में बच्चों की सेफ्टी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस से लेकर खराब फसल को ट्रैक करने में सक्षम रोबोट जैसी कई टेक इनोवेशन पेश किए गए हैं। वही 5 लाख तक के बीमा के लिए जीएसटी पर छूट संभव है। 13% तक जीएसटी घटाने की सिफारिश हो रही है। पानी बोतल व साइकिल पर भी टैक्स घटेगा, यानी आने वाले समय में ये सारी चीजें सस्ती होंगी। सरकार साइकिल, 20 लीटर पानी की बोतल और बच्चों के एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को कटौती करने का विचार की है।
हाथ की घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने का फिलहाल प्लानिंग भी है, यानी कि घड़ी हुआ, जूता हुआ, ये सब महंगा हो जाएगा। वहीं बच्चों की कॉपियां हुई या फिर साइकिल हुआ, ये सारी चीजें सस्ती होंगी। पानी की बोतल भी सस्ती होगी, सरकार इस पर GST घटाने वाली है। यूपी में यादव समाज का बड़ा फैसला, 13वीं पर नहीं देंगे भोज, फैसला ना मानने वालों का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। झांसी में जारी हुआ है फरमान, शोक संदेश का कार्ड छापने पर भी रोक लग गई है, फिजूल खर्ची रोकने को आगे आया है यादव समाज। महंगाई के इस दौर में किसी की मृत्यु के बाद रीति रिवाज को निभाते हुए होने वाले फिजूल खर्चों पर रोक लगाने के लिए झांसी में यादव समाज ने एक अहम फरमान जारी किया है। यादव समाज की हुई इस बैठक में सर्वसहमति से 13वीं भोज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। फरमान में 13वीं पर छपने वाले निमंत्रण कार्ड पर भी रोक लगा दी गई है। जिम्मेदारों ने बताया कि ये नियम आज से ही यादव समाज के सभी लोगों पर लागू होगा, यदि कोई ऐसा करता है तो उसका सामूहिक सामाजिक बहिष्कार होगा। उन्होंने अन्य समाज के लोगों से भी ऐसी फिजूल खर्ची के विरुद्ध मुहिम चलाने की अपील की है। तो हर तरह की शिकायत के लिए होंगे अलग अभियंता, यूपी बिजली विभाग ला रहा है फेसलेस व्यवस्था। यूपी में बिजली विभाग की ओर से हर प्रकार की शिकायतों के लिए अलग इंजीनियर की नियुक्ति होगी। इस योजना पर विचार शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर फेसलेस व्यवस्था को लागू किए जाने की तैयारी हो रही है। हर तरह की शिकायत के लिए होंगे अलग अभियंता, यूपी बिजली विभाग भी फेसलेस व्यवस्था लाएगा। तो दोस्तों, यूपी में होगा शराबबंदी। जी हां, योगी के मंत्री बोले पूरे प्रदेश में कराया जाएगा बंद। बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौत पर जमकर सियासत हो रही है, वहां शराबबंदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब यूपी में शराबबंदी के दावे भी किए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक और बयान उन्होंने दिया है, राज्य में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। मंत्री ओपी राजभर के बयान जालौन में एक कार्यक्रम के दौरान आए। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में शराब को बंद किए जाने का दावा किया है। तो 5 दिनों तक दीपावली में फ्री बस यात्रा मिलेगी। जी हां, दिवाली से पहले इनको राजस्थान सरकार दे रही है बड़ा तोहफा। रोडवेज बसों में 5 दिनों तक आप फ्री में सफर कर पाएंगे। दोस्तों, दिवाली से पहले भजन लाल सरकार ने राजस्थान के 18 लाख से ज्यादा युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर आगामी समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा दिवस के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी समान पात्रता परीक्षा CET के तहत स्टूडेंट 5 दिन तक रोडवेज बस में फ्री में सफर कर पाएंगे। अमेठी से जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं, लगभग 1,12,000 लाभार्थियों को फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों, उज्ज्वला योजना के 1,12,200 लाभार्थियों को दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दे रही है। ये अमेठी जिले का है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये लाभ मिल रहा है। आप किस जिले से हैं कमेंट कर दीजिएगा। लाभार्थियों को सिलेंडर के लिए पहले संपूर्ण राशि भुगतान करनी होगी, उसके बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में अनुदान राशि अंतरित होगी। जी हां, जिले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जिले के 1,71,527 उपभोक्ताओं का उज्ज्वला योजना के तहत चयन हुआ है। केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को साल में 2 बार, एक होली में एक दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान की है। अब योजना के तहत उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी पर नगद भुगतान करना होगा, बाकी 3-4 दिन में खाते में पैसा DBT के माध्यम से पहुंचेगा। तो अमेठी के 1,12,000 लोगों को ये लाभ मिलेगा, यानी उपभोक्ताओं की EKYC हो चुकी है, इन्हीं को फायदा होगा। HDFC और ICICI बैंक तक निवेशकों की मौज हो गई है। 5 दिन में छाप डाले 5,000 करोड़ रुपए। HDFC और ICICI बैंक के निवेशकों की बात कर ले तो बीता हुआ सप्ताह खूब मौज वाला रहा। उनकी दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सेंसेक्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल दोनों ही बैंकों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा है। यानी HDFC और ICICI बैंक में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, उनको खूब सारा पैसा मिला है, उनके पैसे में इजाफा हुआ है। वही दोस्तों, FD रेट, अगर आप भी 3 साल की FD कर रहे हैं इन बैंकों में, तो आपको 9% तक का ब्याज मिलेगा। घर में रखे पैसों की कमाई का अच्छा मौका है, आप इनमें इन्वेस्ट जरूर करें। दोस्तों, आप यहाँ पे बैंकों का नाम देख सकते हैं और 3 साल की FD पर आपको कितना ब्याज दर मिलेगा वो देख सकते हैं। जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की FD पर 7.5% का ब्याज देती है। वही इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% का, बाकी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8.5% और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 9% का इंटरेस्ट रेट दे रही है 3 साल की FD पर। बाकी प्राइवेट बैंक जो एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, या फिर CSB, DBS, DCB, फेडरल, HDFC, ICICI, ये सभी बैंक 6.5-7% तक का ब्याज दे रही है। इंडसइंड बैंक 7.25% का ब्याज दे रही है 3 साल की FD पर।
तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा इससे तेजी से बढ़ेगा। वहीं कुछ सरकारी बैंक भी हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 7.5% का रिटर्न दे रही है FD पर, बैंक ऑफ इंडिया 6.5%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.5%, केनरा बैंक 6.80% तक का रिटर्न देगी। यानी कि अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, 9% तक का ब्याज चाहते हैं FD पर, तो 3 साल की FD आप इन बैंकों पर कर दे, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा, आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। तो फटाफट ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।